doing well today. This is Alisha Chanji and you are watching my YouTube channel. So, आज के मेरी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अब बिगनर मेकअप किट जो स्पेशली बिगनर्स के लिए है और बाकी के लोग भी इसे यूज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। जैसे कि हम कई बार एज अ बिगनर सोचते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं, एंड वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि क्या टूल्स यूज करने चाहिए क्या नहीं, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। सो वीडियो देखने से पहले आप लोग कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट कि जो मेरे फ्यूचर में न्यू वीडियोस आने वाले हैं आप लोग उन्हें मिस ना कर दें। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है सो ऑल्सो लाइक माय वीडियो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टू द वीडियो। सो या माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज फाउंडेशन, दिस इज मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। दिस इज अ ग्लास बॉटल एंड विद प्लास्टिक कैप एंड दिस इज इन द शेड 213 नेचुरल बफ और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, लाइक नॉर्मल से लेकर सेंसिटिव ऑयली स्किन वाले पर्सन इसको यूज कर सकते हैं एंड बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है। पर्टिकुलर प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज अ पोरलेस फाउंडेशन, आपको एक मैटिफाइंग एंड पोरलेस लुक देगा, पोर्स को एकदम से श्रिंक कर देगा, ठीक है। एंड ये कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है, दिस इज जस्ट फॉर ₹500 एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है ये। So yeah, I love this one. Now my next product is this face serum by Unlock Mixify and मैंने इसे latest ही buy करा है कुछ time पहले ही और this is also in a glass bottle with a dropper. आपको इसे निकाल कर ऐसे just drops use करने हैं and मैं इसे use करती हूँ अपने daily moisturizer के साथ या sunscreen के साथ। आप अगर चाहें तो foundation के नीचे एक dewy look के लिए इसे एज अ बेस ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर एज अ सीरम यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छे रिजल्ट देता है और आपको एक ग्लोइंग एंड ड्यूई लुक देता है एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹499 और ₹499 में आपको एक अच्छा सीरम मिल रहा है और आपको ये किसी भी ई कॉमर्स कंपनी से मिलेगा लाइक नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल। सया नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कंसीलर, दिस इज इन द शेड कहाँ है 25 मीडियम एंड ये इस तरह की बॉटल में आता है एंड इसका कैप है कुछ इस तरह से, ये आपको ऐसा मिलेगा और दिस इज वेरी नाइस। जैसे कि कुछ लोगों को फाउंडेशन अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है, मेरी तरह वीडियोस शूट करती हूँ अपने यूट्यूब पे उसमें भी मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, जस्ट मैं अपने इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए इस कंसीलर का यूज करती हूँ एंड दिस इज सो गुड। आपको अच्छा कवरेज देता है और पता भी नहीं लगता है कि आपके डार्क स्पॉट्स या फिर डार्क सर्कल्स हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कितने में लिया था, तो मैं आपको इसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। सो आई हैव अ ऑप्शन ऑफ कंसीलर फॉर कंसीलर, दिस इज अ 2-in-1 हाफ एंड हाफ मैजिक स्टिक। एक साइड पे आपको कंटोर मिलेगा एंड ऑन द अदर साइड आपको कंसीलर मिलेगा। दिस इज काइंड ऑफ दिस एंड दिस इज द पैकेजिंग एंड काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी भी एंड दिस इज इन द शेड मीडियम और इसका भी प्राइस मेंशन नहीं है बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। सो या दिस इज फॉर बिगिनर्स परफेक्ट प्रोडक्ट। माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेकअप सेटिंग स्प्रे, दिस इज बाय ब्लू हेवन एंड मैं इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर लेती हूँ और एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज करती हूँ। दिस इज इन दिस बॉटल और ऐसा दिखता है कुछ और ये आपको ऐसा कैप मिलेगा, डुअल कैप है और स्प्रे बॉटल है ये एक। तो आप इसे 2-in-1 यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमर और एज अ सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज जस्ट इन ₹300, ये आपको 300 में मिलता है। तो आई थिंक अ सेटिंग स्प्रे इज डेफिनेटली गुड और इसका स्मेल जो है एक एलोवेरा जेल की तरह है, थोड़ा सा आपको मिस्ट लगेगा लाइक एकदम से ना फेस के ऊपर आपके पड़ेगा तो मतलब आपको अजीब सी स्मेल आएगी बट एक्चुअल में इसकी स्मेल थोड़ी सी एलोवेरा जेल जैसी है एंड थोड़ी सी एस्ट्रिंजेंट जैसी है। आफ्टर ऑल ये एक बहुत ही अच्छा फिक्सर है, आपको ड्यूई लुक दे देता है एकदम से। सो आई रिकमेंड दिस वन।
मैं अपने बिगनर्स में इसे ही यूज करती थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मस्कारा। आप लोगों ने यूजुअली मुझे मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में इसे ही अप्लाई करते देखा होगा और दिस वन इज सो गुड। एंड ये ऐसे आता है इस तरह के उसमें और आपको एक बहुत ही अच्छा फैन लैश लुक देता है। लाइक एकदम से आपके जो लैशेस हैं वो अच्छे लगने लगते हैं, फॉल्स लैशेस लगने लगते हैं। आपको इसके लिए कोई भी फॉल्स लैश लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज मेबेलिन द हाइपर कर्ल मस्कारा वाटरप्रूफ। अगर आप एज अ बिगिनर हैं आई रिकमेंड दिस वन। सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइलाइटर एंड आई हैव दिस वन वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो एल्यूमिनेटर। ये आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा मुझे मेकअप करते हुए एंड अप्लाई करते हुए। सो दिस इज द हाइलाइटर एंड ये एक लिपस्टिक की तरह से बाहर आता है और आपको इसे शार्प करने की या फिर ब्रश से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसे इस तरह से अप्लाई करिए एंड अपने फिंगर्स के साथ इसे ब्लेंड करिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लुक देता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर इसका रिव्यू देख सकते हैं। आई ऑल्सो हैव अ सेकेंड ऑप्शन फॉर हाइलाइटर फ्रॉम द बाम हाइलाइटर एंड कंटूर। इज अ पाउडरी वन एंड ये आपको इस तरह से मिलेगा। दिस इज द यू नो ऑल ओवर और दीज टू आर हाइलाइटर्स। अगर आपको कंटूर करना है तो ये दो कंटूर के लिए है। दिस वन इज फॉर ब्लशर एंड ये जो है आप इसे एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं तो लाइक कंसीलर को सेट करने के लिए एंड इसको भी आप एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं। लुक एट द पिगमेंटेशन। मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ और ये भी रिकमेंड करती हूँ। बोथ आर गुड हाइलाइटर्स एंड इसमें तो ब्लशर भी है तो आप तीन तीन चीजें नहीं संभाल सकते, कंटूर ब्लश एंड हाइलाइटर। सो गो फॉर दिस वन। और मैंने इसे बाय करा था इंस्टाग्राम स्टोर से, ग्रामिट अप करके कुछ नेम है तो आप इसे वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। दिस इज गुड वन। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि एक बिगिनर किट में होना चाहिए दैट इज आईलैश कर्लर और दिस इज बाय वेगा एंड मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी ग्रिप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आप इसे लाइक अगर आप लोग मस्कारा नहीं अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग ज्यादा मेकअप आपको पसंद नहीं है, फॉल्स आईलैश लगाने पसंद नहीं है सो आप इसे जस्ट कर्ल करिए एंड जस्ट आपको बस बहुत ही अच्छा लुक देगा ये। सो एज अ बिगिनर आप इसे यूज कर सकते हैं अपने बिगिनर मेकअप के लिए। आई ऑल्सो रिकमेंड दिस वन, दिस इज सो गुड। एंड आई फॉरगॉट फाउंडेशन के बाद हम यूजुअली अप्लाई करते हैं लूज पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए। दिस इज बाय सफायर ब्लू हेवन ट्रांसकुलेंट पाउडर। ये आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मुझे अपना सेट करते हुए मेकअप। सो दिस इज सो गुड। ये आपको इस तरह के पैड में मिलता है, आप इसे इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैं अपने ब्रश से अप्लाई करती हूँ, अपना मेकअप सेट करती हूँ। एंड दिस इज सो अफोर्डेबल और दिस इज जस्ट रुपीज 125। दिस इज इन द शेड नेचुरल। हमारी बिगिनर किट में ये बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज दिस इज सो गुड। तो अगर हम लोग टूल्स की बात करें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए या अपने आई शेडोज को अप्लाई करने के लिए, लूज पाउडर अप्लाई करने के लिए, सो गो फॉर दिस वन। दिस इज नेकड 3, अर्बन डी के नेकड 3 मेकअप ब्रशेस एंड मैंने इसे बाय करा था जस्ट फॉर रुपीज 183 फ्रॉम Amazon। कैन यू बिलीव दिस कि ये 12 ब्रशेस, दिस इज दीज आर 12 ब्रशेस, ये 12 ब्रशेस जस्ट मुझे 183 रुपीज में मिले थे। और ऐसा नहीं है कि ये घटिया हैं या कुछ भी हैं, बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दिस इज द यू नो पाउडर ब्रश एंड मैं इसी से अपना यू नो मेकअप करती हूँ एंड लूज पाउडर अप्लाई करती हूँ और दिस इज सो गुड एंड फ्लफी। दिस इज द ब्लश ब्रश और ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्यूट है और ऐसा नहीं है कि इसके ब्रिसल्स बाहर आते हैं या कुछ भी है, ढीला हो रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। एक आधे का ना ये निकल गया था ये चीज बट मैंने उसे फेविक्विक के साथ जोड़कर फिर से नया कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये घटिया वाले हैं, कुछ भी है तो। एंड दिस इज द फाउंडेशन ब्रश, चाहे आप इसके साथ मास्क अप्लाई करिए चाहे फाउंडेशन अप्लाई करिए तो दीज आर गुड, लाइक नॉट अ बैड डील इन 183 रुपीज। दिस इज सो अफोर्डेबल। तो द नेक्स्ट टूल जो जिससे कि हमें अपना फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए दैट इज यू नो ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि अभी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैंने इसे अप्लाई करा था कंसीलर लगाने के टाइम पे, इसे ब्लेंड करने के लिए यूज करा था तो ये भी मुझे याद नहीं है मैंने कितने में लिया था। तो मैंने इसे लोकल मार्केट से बाय करा था। दिस इज नॉट अ यू नो
महंगा वाला 300-400 वाला, आई थिंक ये 100 रुपीज का होगा, क्योंकि एज अ बिगनर ठीक है यार, ये ब्लेंड करना होता है, आपको स्मूथ सा कवरेज चाहिए तो आप लोग 100 रुपए वाला भी बाय कर सकते हो। ये भी वैसा ही आपको ब्लेंडिंग देगा जैसे कि 900 रुपए वाला देता है, उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, बट एज अ बिगनर गो फॉर दिस वन। सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आईलाइनर, दिस इज अ लैक्मे इंस्टा आईलाइनर इन ब्लैक कलर, जेट ब्लैक कलर, एंड ये आपको एक नेल पेंट सी बॉटल में मिलेगा, ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है इस आईलाइनर को यूज करते हुए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वाटरप्रूफ है, ऐसे स्मच करने पे ये नहीं उतरता है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर ₹150 or ₹130 आई थिंक सो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको इसका लिंक कहां से मैंने लिया है या कहां से आप लोग ले सकते हैं। सो एज अ बिगिनर दिस इज अ गुड लाइनर, एंड ऑल्सो आई हैव एन ऑप्शन फॉर आई लाइनर, दिस इज अ स्केच आई लाइनर, और मैंने इसे बाय करा था मिनीसो से, दिस इज जस्ट फॉर ₹190। कैन यू बिलीव दिस, 190 रुपीज में आपको ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर मिलता है। मिनीसो इज अ जापानीज कंपनी जो कि इंडिया में है, एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना, तो लुधियाना में है ये वेव मॉल में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, आपको एक प्रिसाइज सा लुक देता है। यू कैन सी दिस इज अ जेट ब्लैक आईलाइनर, और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, इसकी निब बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है एज अ बिगिनर दिस इज अ गुड आईलाइनर, एज अ स्केच आईलाइनर। अगर हम लोग बात करें काजल की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी LA18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक, दिस इज जस्ट फॉर ₹90। मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, आपको शार्प करने की कोई जरूरत नहीं है, शेप बनाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसे, यू जस्ट टर्न इट आउट एंड यू नो आप इसे अप्लाई करिए, वन स्ट्रोक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यू कैन अप्लाई दिस वन। और मैं आपको इसका डेमो देती हूँ, ये देखो दिस वन, इट्स सो गुड, दिस इज अ जेट ब्लैक, दिस इज स्केच आईलाइनर एंड दिस इज द वन स्ट्रोक, मैंने हार्डली इसको 2 बार ऐसे किया होगा और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो I always recommend the LA18 Isle Kajal. So my next product is eyeshadow by Jaclyn Hill palette. This palette is also from Instagram store Glam It Up, and beginners के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. So these are the shades. 5 shades मिल रहे हैं. I think just for ₹600. ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, एवरीथिंग, देयर आर सो मैनी कलर्स, दिस इज अ सो गुड पैलेट फॉर बिगिनर्स, आई थिंक सो। मैं अपने सारे आईज के जो भी मेकअप करती हूँ वो इसी पैलेट से करती हूँ, एंड मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। और मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है आई शेडो पैलेट के लिए, वो ये वाला है जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ये है अर्बन डीके से नेकड हीट पैलेट, और ये कुछ इस तरह से आता है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज द पैलेट, एंड यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे हीट कलर मिलेंगे, अभी इसका नेम हीट है, ऑल आर ब्राउनिश कलर्स, ठीक है, अगर आपको कलर्ड कुछ ज़्यादा नहीं पसंद है, न्यूड शेड्स पसंद है, तो उसके लिए बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है, एंड दिस इज अ 2-in-1 ब्रश जो कि आपको इसके साथ मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो ये बैड डील है, ये मुझे 500 रुपये में या 599 रुपीज़ में मिली होगी, और ये भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ही बाय करी थी, सो आई थिंक एज अ बिगिनर दिस इज अ गुड वन, नेकेड हीट पैलेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक्स, द प्रोडक्ट लिपस्टिक्स, जिससे कि आपके फेस की काया ही पलट जाती है, लाइक अगर आप लोग मेकअप नहीं भी करते हैं और आप सिर्फ लिपस्टिक्स यूज करते हैं, तो आपका फेस एकदम से ग्लो करने लगता है, एक अच्छी सी लुक मिल जाती है आपके फेस को। सो लिपस्टिक के लिए आप लोग मेरा एक वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर वीडियो फॉर माय 5 फेवरेट लिप शेड्स, जो कि मैंने अपना रिव्यू भी दिया था और एक तरफ से बताया भी था कि मेरे 5 लिप शेड्स कौन से मेरे बेस्ट हैं, तो आप लोग उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और रिसेंट मैंने कुछ अच्छे अच्छे लिप शेड्स बाय करे हैं, तो मैं आपको शो करना चाहूंगी। तो मैंने ये 3 लिप शेड्स बाय करे हैं, दिस इज फ्रॉम मिस क्लेयर इन द शेड 13, दिस इज अ प्रॉपर न्यूड शेड,
एंड ये है एक पिंकिश टोन में जो कि मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, और ये इन द शेड 20, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिस क्लेयर, एंड दिस इज बेबी लिप्स कैंडी वाओ इन द शेड रसबेरी। एंड जब से मैंने इसे बाय करा है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यू कैन सी ये भी ऐसे ही लिपस्टिक की तरह आता है, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, एज अ बिगिनर आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने अपने लिप शेड के नीचे अप्लाई कर रखा है जस्ट फॉर नरिशमेंट एंड मॉइस्चर बना रहे उसके लिए मैंने एज अ लिप बाम इसे यूज करा है। तो ये तीनों ही एज अ बिगिनर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे मेकअप के लिए, डेली रूटीन में, या फिर अपने प्रॉपर मेकअप में, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो यार दिस इज माय बिगिनर मेकअप किट जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, एंड मैं सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सो दैट आप इन्हें जाकर बाय कर सकें। तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं, और आप लोगों का क्या रिव्यू है उस पर, सो दैट कि मैं आपको इसी तरह से आगे रिव्यू देती रहूं। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आप लोग मेरे फ्यूचर में वीडियोस आने वाले हैं उनको मिस ना कर दें। सो या बाय बाय।